तो आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो मुझे पता है कि ये जो प्रॉब्लम मैं आज बताने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, तो वो सबने फेस की है और उनका सॉल्यूशन अभी तक किसी ने नहीं बताया। किसी भी वीडियो में आपको वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पर इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन 3 स्टेप में बताने वाला हूँ। और ये 3 स्टेप कौन सी है, इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। So, hey guys, there were. Welcome back to my channel, Technology. तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमारा वीडियो कौन सा, अभी समझो मैंने एक वीडियो अपलोडिंग को डाला तो वो अपलोड होगा, पर प्रोसेसिंग में जाएगा तो वो पूरा प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेसिंग में वो स्टॉक हो जाएगा, तो वो वीडियो अपलोड नहीं होती और रेडी टू वॉच ऐसी नहीं आती, तो वो वीडियो दूसरों को नहीं दिखती। इसलिए ये वीडियो का कैसे अपलोड करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मेरी वीडियो मतलब 2 दिन या 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी कि वो मैंने अपलोडिंग कर डाली थी पर वो प्रोसेसिंग में स्टॉप हो गई। मेरे साथ ये पहली बार हुआ था, इसलिए मैं उस चीज का बहुत रिसर्च किया, उस चीज पे मैंने बहुत रिसर्च किया ये क्यों हो रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया और मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी ये सॉल्यूशन शेयर करूं कि बहुत जन है कि उनका भी यही प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि बहुत सारे इनका यही प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया कि इसका सॉल्यूशन मैं 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर आपका यूट्यूब अपडेटेड नहीं है तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अपना यूट्यूब अपडेट कीजिए। सेकेंड सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ही दिखाने वाला हूँ। तो चलो मोबाइल के स्क्रीन। तो सबसे पहले आपको जाना होगा यूट्यूब पर, फिर आपको जाना है अपने लोगो पर, फिर वहाँ से आपको हेल्प एंड फीडबैक में जाना है, फिर यहाँ से आपको जाना है सेंड फीडबैक पर और यहाँ पे आपको लिखना है, फिर यहाँ पे आपको एक फीडबैक लिखना है कि हे टुडे आई हैड अपलोडेड अ वीडियो बट इट इज नॉट प्रोसेसिंग एंड स्टक ऑन प्रोसेसिंग। तो ऐसा मैं फीडबैक लिखना है और यहाँ से सेंड करना है। यहाँ पे एक आपकी स्क्रीनशॉट भी ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो ऐसा फीडबैक सेंड करने के बाद आपको दो मिनट या पाँच छः मिनट के बाद आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, अगली वीडियो में मिलते हैं।